नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। करते हैं आलू के भाव की बात। आज सबसे पहले करेंगे आगरा की बात, क्योंकि आगरा में बाजार जो है टाइट है इस टाइम पे, क्योंकि साउथ की मंडियां टाइट हो गई हैं, तो इसलिए आगरा का बाजार काफी टाइट हो गया पहले से। और वहीं पे नजदीक में, मतलब आगरा फर्रुखाबाद में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फर्रुखाबाद में बाजार डाउन है, जबकि फर्रुखाबाद से रेक लोड हुई है, और रेक जहां गई है वहां पे भी मंडियां डाउन नहीं हुई है ज्यादा, जबकि रेक जाती है तो मंडियां डाउन हो जाती है, लेकिन वहां पे भी बाजार ज्यादा डाउन नहीं है, फिर भी फर्रुखाबाद का बाजार डाउन है। और आगरा में बाजार देखो कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, 37-70 में बिक रहा है आपका, 700 से लेके 850 रुपया पैकेट आमतौर पे, और जो बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर आलू है वो बिक रहे हैं 900 950 रुपया, और खदौली में तो एक आध जो है बिक जाते हैं, बता रहे हैं 1000 रुपए पैकेट तक बिक जाते हैं, और वैसे 700 से लेके 800 850 रुपया पैकेट के आमतौर पे भाव है, और बढ़िया आलू जो है 900 950 रुपए पैकेट निकल रहे हैं। टुंडला में भी ऐसी स्थिति है, 700 से लेके 850 रुपया आमतौर पे, और बढ़िया आलू जो है एक्स्ट्रा सुपर वो 900 950 रुपया पैकेट बिक रहे हैं। सिरसागंज में भी बाजार टाइट हो गए हैं, 700 से लेके 850 रुपया पैकेट आमतौर पे, और बढ़िया आलू आपके 900 950 रुपया पैकेट निकल रहे हैं। और ये विद कुल भाड़े के रेट हैं, शासनिक अपडेट मिली नहीं है आज। और इसके बाद बाजार गुजरात में भी टाइट हुए हैं, गुजरात में केवल आज दिशा से ही अपडेट आई है, बाकी अहमदाबाद सूरत से अपडेट नहीं मिली है, लेकिन दिशा में बाजार टाइट बताए गए हैं। पुखराज बिका है आपका 700 से लेके 850 रुपया पैकेट, और ख्याति बिका है आपका 775 से लेके 900 रुपया पैकेट, और बादशाह बिका है आपका 825 से लेके 975 रुपया पैकेट। यहाँ पे ग्रेडेड आलू मिलता है सूखा हुआ, और जयपुर में बाजार लगभग वही है, वही 1300 से लेके 1650 रुपया कुंतल के हैं, निवल वाले 1300 1400 रुपया हैं, बाजार थोड़ा सा मतलब वैसा है हल्का सा टाइट, और जो बढ़िया आलू है वो बिक रहे हैं आपके 1600 1650 रुपया कुंतल के। मुंबई की बात करें तो मुंबई में बाजार लगभग वही है, 1600 से लेके 2000 रुपया कुंतल के, और वसई विरार की तरफ बिक रहे हैं आपके 2100 रुपया कुंतल के आलू। यहाँ पे बाजार थोड़ा सा मतलब उससे थोड़ा सा अपी रहता है, और बिहार की बाजार डाउन है, तो इसका फर्क जो है फर्रुखाबाद के बाजार पे भी है, क्योंकि फर्रुखाबाद से बहुत सारा आलू बिहार जाता है, तो बिहार समस्तीपुर में आपका बिक रहा है C40 1150 से लेके 1250 रुपया कुंतल। बेगूसराय में C40 बिक रहा है आपका 1200 1250 रुपया कुंतल के आसपास। सफेद आलू बिक रहा है आपका 1300 से लेकर 1350 रुपया कुंतल के आसपास, और गुलाब बाग में हाईलैंड बिक रहा है आपका 1500 से लेकर 1600 रुपया कुंतल के आसपास। तो यहाँ के बाजार थोड़े से ज्यादा डाउन है। आसाम में बाजार डाउन नहीं है ज्यादा, वही बाजार चल रहे हैं, गुवाहाटी का चल रहा है 1900 से लेके 2100 रुपया कुंतल का, और सिलचर का बाजार चल रहा है आपका 2400 से लेके 2500 रुपया कुंतल का। भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पे भी बाजार लगभग वही है, 1750 से लेके 1920 रुपया कुंतल का। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में मार्केट डाउन है, वेस्ट बंगाल में बर्धमान में बिका है आपका छट्टा आलू 1070 से लेके 1080 रुपया पैकेट, और खिरपई पश्चिम मेदिनीपुर में बिका है 825 से लेके 835 रुपया पैकेट गड्डा आलू, और वर्धमान का जो है वो छट्टा आलू है, ज्योति के आलू के रेट है ये, और हुगली में बिका है आपका 950 हुगली में 1040 से लेके 1060 रुपया पैकेट, और घुसकरा में बिका छट्टा आपका 950 रुपये से लेके 950 से लेके 980 रुपया पैकेट, और कौतलपुर बंकुरा में बिका, और ये घुसकरा का छट्टा आलू है, और कौतलपुर बंकुरा श्रीनगर मेदिनापुर ये गड्डा आलू के रेट है, ये बंकुरा में बिका है आपका 1750 से लेके 1770 रुपया कुंतल, और श्रीनगर में बिका है आपका मेदिनापुर में 1760 से लेके 1770 रुपया कुंतल, ये गड्डा आलू के रेट हैं, और खिरपई पश्चिम मेदिनापुर का गड्डा आलू है, और ये वेस्ट बंगाल के बिल्टी के रेट हैं। इसके बाद बात करते हैं, देखो सुल्तानपुर की अपडेट मिली है, सुल्तानपुर में हाईलैंड बिक रहा है 1600 रुपया कुंतल के आसपास, कंचन बिक रहा है आपका 1400 से 1450 से लेके 1500 रुपया कुंतल के आसपास, सफेद आपका बिक रहा है 1400 से लेके 1450 रुपया कुंतल के आसपास, और कानपुर देहात कोल्ड स्टोर की बात करें तो यहाँ पे 3770 में बिक रहा है 700 से लेके 750 रुपया पैकेट के आसपास, चिप्सोना बिक रहा है 800 से लेके 850 रुपया पैकेट के आसपास,
हाइब्रिड बिक रहा है 650 से लेके पौधे 700 रुपया पैकेट के आसपास, और सिंदूरी बिक रहा है आपका 600 से लेके 665 रुपया पैकेट के आसपास, विद कोल्ड भाड़े के रेट हैं ये। और इसके बाद आते हैं सीधे फरुखाबाद पे, तो फरुखाबाद में बिक्री जो है आज मैंने कम से कम 4 जगह बात की जहां पे बिक्री होने वाली थी, लेकिन चारों जगह बिक्री कैंसिल हो गई। बिक्री क्यों कैंसिल हो गई? क्योंकि ना कोई मतलब बेचने वाला किसान जाता है और लेने वाले भी कम है, तो इसके लिए बिक्रियां जैसे मतलब दिन फिक्स होता है कि कल बिक्री होगी तो वो कैंसिल हो जाती है। तो कम से कम आज 4 जगह ऐसी थी जहां पे बिक्री होने वाली थी, और मैं 4 जगह में से किसी एक जगह तो जाने वाला ही था, लेकिन 4 जगह से लेके चारों जगह कैंसिल हो गया। इक्का दुक्का जो बिके हैं वो ख्याति पुखराज आपके वही 650 से लेके पौने 700 रुपया मतलब बिकते हैं ख्याति पुखराज। और इस टाइम पे एक चीज और है कि जब थोड़ा सा मंदा होता है तो उस टाइम पे अच्छा आलू कोल्ड स्टोर से निकलता भी नहीं है, फिर जो थोड़े से खराब क्वालिटी के आलू है वो निकलते हैं, तो वो जो है और भाव को थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। कि अच्छा आलू हो तो हो सकता है थोड़े से रेट ज्यादा लग जाए, लेकिन मतलब भाव गिरे हुए में खराब आलू ही निकलेगा। कल आपने वीडियो में देखा होगा इतने सारे आलू थे, तो उसमें किसी में चेचक था, किसी में जंग था, किसी में हरा था, किसी में कुछ था, एक दो लाट ही अच्छी थी। तो एक लाट अच्छी थी वो 671 बिकी थी, और बाकी कुछ 665 के जो थोड़े ठीक थे वो 665 वगैरह के आसपास बिके थे। भाव लगभग वही है, हाईलैंड वही 700 से लेके 750 रुपया पैकेट के आसपास, चिप्सोना 750 से लेके 850 रुपया पैकेट के आसपास, शुगर फ्री और 3797 जो है सादा 700 रुपया पैकेट के आसपास, और जो शुगर फ्री है वो 750 रुपया पैकेट के आसपास है, कंचन आपका 600 रुपया पैकेट के आसपास है। बीजा के रेट गिर गए हैं, बीजा पुखराज बिक रहा है आपका 1800 से लेके 1900 रुपया कुंतल का। बाकी जो आम आलू के जो भाव बताए हैं वो पैकेट में है, विद कोल्ड भाड़े के रेट हैं, और जिसमें भर्ती मतलब जो वजन मिलेगा वो 53 किलो मिलेगा। बीजा जो है बीजा का भाव कुंतल से होता है, और सूखा हुआ आलू बिकता है, और ये नेट वेट इसमें 50 किलो मतलब एक कुंतल का एक कुंतल ही मिलेगा इसमें। इसमें जो 53 किलो के हिसाब से जो 6 किलो एक्स्ट्रा मिलता है वो 6 किलो एक्स्ट्रा इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सुखा के छटा बिना के तब दिया जाता है, तो इसमें नेट वेट दिया जाता है आपको पैकेट का 50 किलो। तो और वैसे कुछ बीजा 1700 1750 भी बिक रहे हैं, और मतलब अच्छा बीजा जो 1800 से 1900 रुपये पैकेट बिक रहा है पुखराज का, और 208 के बीजा की डिमांड नहीं बताई जा रही है अब, क्योंकि उसके लिवाल कम है। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में हाईलैंड बिक रहा है आपका 475 से लेके 500 रुपया पैकेट के आसपास, विदाउट कोल्ड भाड़े के रेट हैं ये। इसमें कोल्ड भाड़ा जो है ये किसान के पैसे हैं, कोल्ड भाड़ा व्यापारी को देना पड़ेगा, फरुखाबाद के कोल्ड भाड़े के साथ में रेट है। बीजा में भी कोल्ड भाड़ा का रेट मतलब उसमें इंक्लूड है। कंचन बिका है आपका 450 से लेके 475 रुपया पैकेट, और सिंदूरी बिका है 500 से लेके 520 रुपया पैकेट, हाइब्रिड बिका है आपका 450 से लेके 475 रुपया पैकेट, और चिप्सोना बिक रहा है 600 सवा 600 रुपया पैकेट के आसपास विदाउट कोल्ड भाड़ा। और बात करें कानपुर की तो कानपुर में बाजार थोड़े से टाइट हुए हैं, क्योंकि आमदनी जा रही है, क्योंकि बाजार कानपुर के डाउन हो गए थे, तो आमदनी जाना जो है बंद हो गई थी, बहुत कम हो गई थी। आज कम से कम 30-35 गाड़ी की आमदनी है, और ख्याति पुखराज यहाँ पे बिके हैं आज 500 से लेके 550 रुपया मन के आसपास, और 3797 बिका है 550 से लेके 600 रुपया मन के आसपास, हाईलैंड बिका है 550 से लेके 600 रुपया मन के आसपास, चिप्सोना 650 से 700 रुपया मन के आसपास, और वही श्रीनाथ आपका 650 से लेके 750 रुपया मन के आसपास, और सिंदूरी और कंचन ये बिके हैं आपके 550 से लेके 585-590 रुपया मन के आसपास। और यहाँ पे ये मतलब आलू मन से बिकता है, और मन होता है ये 40 किलो का, तो ये रेट जो है 40 किलो के हैं। बात करें बरेली की तो बरेली में चिप्सोना वही चल रहा है आपका 800 से लेके 825 रुपया पैकेट के आसपास, और प्रयागराज की बात करें तो G4 यहाँ पे चल रहा है 1900 से लेके 1950 रुपया कोंतल के आसपास, हाईलैंड आपका 1700 से लेके 1750 रुपया कोंतल के आसपास, और गोला आपका 1400 1450 रुपया कोंतल के आसपास। लखनऊ में चिप्सोना बिक रहा है आपका 1500 से लेके 1800 रुपया कोंतल के आसपास। तो
जो बढ़िया चिप्स हो रहा है वो तो बिकते हैं 1700-1800 रुपया कोंतल के आसपास, और निवल वाले बिकते हैं कोई 1500-1600 रुपया कोंतल के आसपास। बात करें हल्द्वानी की, तो हल्द्वानी में आपका पुखराज बिका है 1300 से लेके 1400 रुपया कोंतल के आसपास, और 3797 सुगर फ्री बिक रहा है 1500-1550 रुपया कोंतल के आसपास। तो ये थी अपडेट आज की जो मुझे मिली थी, और बाकी कमेंट में आप अपनी मंडी का भाव जरूर बताइएगा कि आप यहाँ आलू क्या रेट बिक रहा है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।